अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल करम शुरू के साथ मैं आज का ब्लॉग शुरू करता हूँ। आज मैं ये 10 महीने का घर है जे ब्लॉक में, इसकी वीडियो वगैरह बनानी थी, तो आए इसका टूर करते हैं। पहले ये आप इसका एलिवेशन देख लें, साथ में ये बताता चलूँ कि इसके पीछे ये पार्क है। मतलब ये सामने पीछे से इसके कोई मकान वगैरह नहीं है, पीछे इसके पार्क वगैरह आएगा और सामने ये ओपन ग्राउंड है जिसमें स्कूल वगैरह और दूसरे कम्युनिटी सेंटर वगैरह बनेंगे इस तरफ। और ये आम रोड से ये बड़ी रोड है, ये 60 फीट ये चौड़ाई में रोड है ये वाली। और इसकी जो ग्रीन पट्टी है यहाँ पे, जो बागीचे के तौर पे भी लोग इस्तेमाल करते हैं, ये भी बड़ी है आम मकान से। और ये जो डोर लगा हुआ है ये भी एक अलग क्वालिटी का लगा हुआ है। ये जे नंबर जे ब्लॉक है, 17 नंबर गली है। और यहाँ पे तकरीबन जो कार पोर्च है, यहाँ पे तकरीबन 3 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं, इतना बड़ा कार पोर्च बना हुआ है। एक इस तरफ खड़ी हो सकती है और 2 इस तरफ। और ये बैक साइड पे राहदारी बनी हुई है, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। ये बैक साइड है और ये ओपन होगी, ये वाली जगह जो है, ये वाली जगह ये ओपन है, यहाँ पे कोई घर वगैरह नहीं बनेगा। ये इसका की मेन एंट्रेंस है, ये ड्राइंग रूम के लिए ये वाला जो दरवाजा है, और ये मेन एंट्रेंस का। ये हॉल आ जाता है, इस तरफ एक कमरा है, ये ड्राइंग रूम है इस तरफ, ये ओपन किचन है और साथ में सेकेंडरी किचन इस तरफ है। पहले हम ड्राइंग रूम की तरफ चलते हैं। ये ड्राइंग रूम है, तो मेन एंट्रेंस के साथ जैसे ही आप दाखिल होंगे तो एक इस तरह बाथरूम भी है, ये टॉयलेट वगैरह देख सकते हैं। ये एक्चुअली हॉल के लिए ये वाला टॉयलेट है। अब हम कमरे की तरफ चलते हैं, ये मास्टर बेडरूम है ये वाला। साथ में कबर्ड भी है इसके, और इसके साथ ये बाथरूम। ओपन किचन है ये, यहाँ से मैं दूर से आपको पहले दिखा दूँ। किचन अच्छा, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और ये सेकेंडरी किचन है इस तरफ। किचन से बाहर की तरफ एक दरवाजा खुलता है जो बाहर राहदारी है उसकी तरफ। अभी हम ऊपर वाले पोर्शन में चलते हैं। ये
मेन इसकी जगह ये वाली, एक इधर छोटा सा कमरा बना हुआ है, ये छोटा कमरा है जो जहाँ से मतलब स्टडी रूम के तौर पे अभी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, एक ये कमरा है, यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ, वहाँ पे जो स्टडी रूम है, एक रूम यहाँ पर है और दो रूम ये हैं, और ये हॉल है। ले इस रूम की तरफ चलते हैं, यहाँ से ये फ्रंट, साथ में ये अटैच बाथरूम है और कपबोर्ड भी है। माशाल्लाह बाथरूम काफी बड़ा है। ये शावर लेने के लिए शीशा लगा हुआ है इस तरफ। ये दूसरा बेडरूम है, यहां से भी बाहर का व्यू सही क्लियर नजर आता है। और इसके साथ ये कबर्ड है और अटैच बाथरूम है ये। ये तीसरा कमरा है, ये मास्टर बेडरूम है, ये काफी बड़ा है। यहाँ पे ये कबर्ड है, ये ओपनिंग के लिए ओटीपी, और ये बैक साइड जो कि ओपन है, यहाँ पे कोई गार्ड नहीं बनेगा इस तरफ, और ये इसके साथ अटैच बाथरूम है ये। कबर्ड है इसके साथ ये वाली। सब कमरों में अटैच बाथरूम भी है और उसके साथ ये कबर्ड भी है। ऊपर तीन कमरे हैं, ये हॉल है, दो कमरे ये वाले हैं और तीसरा कमरा ये है, और इस तरफ जो है वो स्टडी रूम के लिए भी। हम छत की तरफ चलते हैं, और ये छत, ये वाला सारा ओपन जगह है। जब पता चलो ये मतलब यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर बनेंगे, स्कूल वगैरह बनेंगे फ्यूचर में। एक पार्क उस तरफ है, बिल्कुल साथ में ये जी ब्लॉक है। ये 10 मरले का घर है, और ये जगह पार्क के तौर पे ये भी इस्तेमाल होगी इन फ्यूचर। ये ओपन है, ये भी तो काफ़ी अच्छी लोकेशन पे ये है। ये जे ब्लॉक है सिटी हाउसिंग जेलम में, और जे ब्लॉक सबसे ज़्यादा डेवलप है। ठीक है, मैं आज की वीडियो यहीं पे इख्ताम करता हूँ। मेरे वो व्यूज़ जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियोज़ की अपडेट उनको मिलती रहे। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।